हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर। हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं बेटा। फर्स्ट यूनिट में हमने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ लिया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो ही हम फिजिक्स, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा, तो फिजिक्स के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमें कुछ रीडिंग्स लेनी होती हैं और उन रीडिंग्स में कुछ एरर बनता है। एरर होता क्या है वैसे, अगर वर्ड मीनिंग पे जाएं तो व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर मीन्स होती है फॉल्ट, गलती। अब देखो एरर कैसे होती है, एरर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आपको बेटा स्टूडेंट्स आपको ये कह दूं कि भाई आपको है ना, मैं ये मार्कर दे रहा हूं और इस मार्कर की आपने लेंथ निकालनी है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है, ट्रू वैल्यू मीन्स की एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी जो, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर द ट्रू वैल्यू इज गिवन एंड दिस टास्क इज गिवन टू यू दैट की यू शुड हैव टू मेजर दैट द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी स्टूडेंट ने, क्लास में से एक स्टूडेंट ने मेजर किया इसका लेंथ मेजरिंग आ गया 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया, उसका मेजरिंग लेंथ आ गई 10.01 सेंटीमीटर। ठीक है, दो एग्जाम्पल दे दिए भाई। एग्जैक्ट इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 10। पहले स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आई थी? 9.9। तो दोनों के अंदर डिफरेंस कितना हो गया? ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और मेजरिंग वैल्यू कितनी है? 9.9। तो ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एरर। क्या बोला जाता है वो? एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में? मेजरिंग वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अच्छा, अब एक दो वैल्यूज हमने निकाल ली है, 9.9 और 10.01। 9.9 माइनस 10 करेंगे यानी कि पहली जो मेजरिंग वैल्यू है उसमें एरर आपका किस में गया हुआ है? नेगेटिव में। और दूसरी वैल्यू में क्या देखो, मेजरिंग वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा दो यानी कि 10.01 में से 10 घटा दो, 10.01 में से 10 घटाया तो 0.01 पॉजिटिव वैल्यू आती है, और 9.9 में से 10 घटाओगे तो 0.1 है जो वो नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब एरर आपका दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर होगी? और जो पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो तो वो क्या हो जाएगा? वो चले जाएंगे हम टाइप ऑफ एरर्स में। तो एरर की आप डेफिनेशन लिख लो बेटा। एरर की डेफिनेशन बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो चुकी है। कैसे डिफाइन करेंगे हम एरर को? इट इज द डिफरेंस ऑफ मेजरिंग वैल्यू जो हमने मेजर किया है एंड ट्रू वैल्यू जो ट्रू वैल्यूज की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है। लिखो इसकी डेफिनेशन। इट इज द डिफरेंस ऑफ किस किस का? मेजरिंग वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजरिंग वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं, तो उसकी कितनी तो मेजरिंग वैल्यू है। तो एरर कैन बी रिटन एज मेजरिंग वैल्यू MV माइनस ट्रू वैल्यू TV। तो ये आपका एरर हो जाएगा भाई। एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। एरर है जो वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर होगी भाई बात? एक बात हो गई। दूसरी बात, एरर के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। एरर भाई मेनली मैं बता रहा हूं अभी, यहां पे दो टाइप का होता है, अभी दो ही टाइप का करवा रहा हूं, फिर आगे हम कैलकुलेशन बेस्ड भी कर लेंगे। तो टाइप ऑफ एरर्स आपके दो होते हैं। नंबर वन इज सिस्टमैटिक एरर, एंड सेकंड वन इज रैंडम एरर। तो दो टाइप के एरर हो गए भाई, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है बेटा और रैंडम एरर क्या होता है, ये डेफिनेशंस मैं करवाता हूं। करो, लिखो, नोट करो इनको। ये हो गया, आगे बढ़ो। एरर क्या बताया? डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। दो टाइप का होता है ये, एक तो सिस्टमैटिक एरर और एक हो गया रैंडम एरर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब हो सकता है बेटा? वो मैंने एग्जांपल से आपसे डिस्कस किया है। नेगेटिव कब हो सकता है? वो भी एग्जांपल में है। अब देखो टाइप ऑफ एरर में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम करेंगे सिस्टमैटिक एरर। होता क्या है सिस्टमैटिक एरर? नाम से ही बच्चे कई सारे तो सीख लेते हैं कि सर
कोई सिस्टम है, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है। अब सिस्टम में आता क्या क्या वो सुन लो। जैसे बेटा मैं ये एग्जांपल आपका साथ में रखूंगा, इस एग्जांपल को बोलना नहीं है पूरा जब तक एरर पड़ेंगे। इसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, वेरी गुड 10 सेंटीमीटर थी। मेजरिंग वैल्यू कितनी आई थी, 9.9 और 10.01 आई थी कि नहीं आई थी, डन आ गई थी। अब देखो मान लो अपनी क्लास में एक बच्चा बेटा ब्रिलियंट, अच्छा पढ़ने वाला, बिल्कुल बिल्कुल जो मतलब फॉल्ट ही ना करे पढ़ाई में, एक थोड़ा सा केयरलेस है, उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो अगर मैं दोनों को पूरी क्लास में दो बच्चे ले लूं, एक तो अच्छा टॉप वाला मतलब जो सीरियस है, एक थोड़ा सा भाई केयरलेस है, दोनों बच्चों को ये कह दूं कि बेटा आप है ना ये एक्सपेरिमेंट करो कि मेजर करो। अब मेजर कर रही है लेंथ, पहले वाला बच्चे को जब मैं प्रोसीजर बता देता हूं पूरी प्रोसीजर को, वो फॉलो करेगा, डिक्टो सेम कर देगा टीचर का, और उसके चांस होते हैं एरर होने के कम। जबकि जो वो केयरलेस बच्चा है, दूसरा केस है, दूसरे केस में वो क्या गलती कर सकता है, गलती कर सकता है जो मेजरिंग स्केल है उस मेजरिंग स्केल को सही एक्यूरेट ना रखे, जीरो को एग्जैक्ट पॉइंट एंड पॉइंट पे ना रखे, या कुछ आगे पीछे भी कर सकता है। दूसरा उसका पकड़ने का ढंग अलग से हो सकता है, उसका पकड़ने का ढंग अलग से हो सकता है। तो बेटा इनकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है हमारी मेजरिंग वैल्यू में, उस एरर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। क्लियर हो गया। तो सिस्टमैटिक एरर हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये एक ही डायरेक्टेड होता है। आप ये पॉइंट याद रखोगे, सिस्टमैटिक एरर इज ऑलवेज वन डायरेक्शनल एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट लिख लो, सिस्टमैटिक एरर इट इज ऑलवेज वन डायरेक्शनल एंड पॉजिटिव। तो वन डायरेक्शनल हो गया और ये हमेशा ही क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, सिस्टमैटिक एरर हो गया। सिस्टमैटिक एरर किन रीजन से हो सकता है, वो तीन रीजन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहला रीजन देख लो, सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से हो सकता है, देखो फर्स्ट पॉइंट तो भाई अपना है मेजरिंग की वजह से, मेजरिंग प्रोसीजर, या पहला पॉइंट लिख लो प्रोसीजर। प्रोसीजर जैसे अभी मैंने बोला कि दो बच्चे हैं भाई, एक अपना अच्छा बच्चा, एक है थोड़ा केयरलेस, तो प्रोसीजर कौन सा एक्यूरेट करेगा टीचर का, जो मैं टीचर ने बताया वो एक्यूरेट कौन से की चांस होते हैं, पहले वाले के चांस होते हैं, अच्छे बच्चे के चांस होते हैं ना बेटा, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है कि वो एक्यूरेट ढंग से करेगा, जबकि उसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो इसका मतलब ये प्रोसीजर। अब मान लो हम किसी वे को कर रहे, किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसीजर है फॉलो, प्रोसीजर आप पढ़ते हो, टेंथ क्लास में भी आपने फाइल बनाई होगी, उसमें उन प्रोसीजर को हम ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर रहे तो उसके अंदर क्या आएगा, एरर जनरेट होता है, उस एरर को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर एरर, और वो किसका केस होता है, सिस्टमैटिक एरर का। क्लियर होगी। तो आप ये लिख लो, द एरर प्रोड्यूस ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग प्रोसीजर, या इस प्रोसीजर की जगह पे हम एक वर्ड भी लिख सकते हैं, इम्परफेक्शन। क्या लिख सकते हैं, इम्परफेक्शनेस ऑफ किसका, ऑब्जर्वर का, या जो कर रहा है वहां पे बच्चा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी इम्परफेक्शन, परफेक्ट नहीं है वो, इम्परफेक्शन। तो रॉन्ग प्रोसीजर इज कॉल्ड, प्रोसीजर एरर भी कह सकते हो आप, और प्रोसीजर एरर ये किसके अंदर टाइप है, वो टाइप आपका सिस्टमैटिक एरर के अंदर। तो ये याद रखोगे, एक तो हो गया भाई किसकी वजह से, प्रोसीजर की वजह से, दूसरा हो सकता है भाई आपका इंस्ट्रूमेंटल की वजह से, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये भी किसके अंदर जा रहा है, ये भी जा रहा है सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, बिल्कुल सही है, इंस्ट्रूमेंट भाई। जैसे देखो बेटा अभी आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है इलेवेंथ क्लास में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो पहले एक्सपेरिमेंट आपके स्क्रूगेज और वर्नियर कैलिपर के, स्क्रूगेज और वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, जैसे स्क्रूगेज और वर्नियर कैलिपर अगर आपने नहीं देखे तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। आपका पानी है जो वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, पर जो ही हम थर्मामीटर के अंदर मेजर करते हैं ना, थर्मामीटर रिप्रेजेंट इट 104 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स,
104 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स दिखा देता है, जबकि हम किताबों में पढ़ते हैं कि पानी है जो कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब वो जो 104 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर दिखा रहा है, तो वो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस है वो किसकी कौन सा एरर है, वो उस सिस्टम का एरर है, वो इस इंस्ट्रूमेंट का एरर है जो थर्मामीटर हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर बेटा एक डिवाइस होती है जो डायमीटर मेजर करने के काम आता है, डायमीटर या रेडियस निकालने के काम आता है। तो उसके अंदर क्या होती है, जीरो एरर होती है। वो जीरो एरर कई बार बच्चे जब आप करवाऊंगा तो आप देखना वहां पे, वो जो जीरो एरर है वो एक्यूरेट नहीं होती इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, कईयों में एक्यूरेट होती है कईयों में नहीं होती है। तो जिनमें नहीं होती है वो क्या जनरेट करेंगे, मेजरमेंट के अंदर एरर जनरेट करते हैं, और उस एरर को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर जनरेट होती है वो क्या हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर प्रोड्यूस ड्यू टू, द एरर प्रोड्यूस ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब तीसरा इसके अंदर टाइप होता है भाई, इस सिस्टमेटिक एरर के अंदर तीसरा होता है पर्सन। पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग्स। अब जैसे ये पर्सन वाला जो केस लग गया ना, पर्सन वाला केस लग गया, वो जो जो मैंने अभी एग्जांपल आपसे डिस्कस किया था, कौन सा एग्जांपल, एक भाई क्या नाम है, सीरियस स्टूडेंट है और एक थोड़ा सा केयरलेस स्टूडेंट है। सीरियस स्टूडेंट क्या करेगा, एग्जैक्ट करेगा, केयरलेस क्या करेगा, गलत करेगा। और जो बीच में कोई बच्चा है, ना तो ज्यादा सीरियस है ना ज्यादा केयरलेस है, वो उनके बीच का कर लेगा। तो इसका मतलब तीन पर्सन लिए हमने, तीनों पर्सन डिफरेंट डिफरेंट वे से सिस्टम का आपका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो तीनों के अंदर वो जो एरर जनरेट हो रहा है, जो अच्छा बच्चा है वो कम एरर करेगा, मीडियोकर है वो थोड़ा सा ज्यादा कर लेगा एज कंपेयर टू परफेक्ट स्टूडेंट के, और जो थर्ड वन है वो सबसे ज्यादा कम एरर कर देता है। तो इसका मतलब एरर आल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन, आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो थर्ड वन है जो वो पॉइंट बन जाता है भाई, वो होता है आपका पर्सनल एरर। क्या हो जाएगा, पर्सनल एरर। तो किसकी वजह से होता है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की वजह से होता है भाई, जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है अपनी मेजरमेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। क्या बोला जाएगा, पर्सनल एरर। क्लियर हो गया, ये था बेटा आपका सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर पढ़ना, इनसे डेफिनेशन लिखना, और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मेरे से डिस्कस करना। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे टाइप पे, वो है आपका रैंडम एरर। जैसा नाम से ही क्लियर है, रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता, कभी कभार होने वाला, अनफॉर्चुनेटली हो जाए तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर होता किसकी वजह से है और क्यों हो जाता है ये कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ओम्स ला कर रहे हैं, तो ओम्स ला के अंदर भाई जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, वी और आई की वैल्यूज निकालते हैं, पोटेंशियल की निकाल लेते हैं और करंट की वैल्यूज निकाल लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन देम एंड वी ऑब्जर्व दैट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओवर देयर। तो वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बन रहा है, वो क्या हो अगर मान लो हम डीसी की बजाय एसी यूज करें और एसी के अंदर एकदम से फ्लक्चुएशन आ जाए, फ्लक्चुएशन किसका आ रहा है, वोल्टेज का, तो वोल्टेज की वजह से वो ग्राफ अपना क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाती है, एरर। वो एरर आ गई तो कौन सी एरर होगी, वो रैंडम एरर, एकदम से आ गई अचानक, उसका कोई अंदाजा ही नहीं था। तो रैंडम एरर क्या होती है, अनफॉर्चुनेटली एकदम से अचानक आ जाए तो उस एरर को हम, अब ये एरर किसकी वजह से हो सकती है, वो हो सकती है बेटा वोल्टेज चेंज की वजह से, वो होती है हीट चेंज की वजह से, वो हो सकती है टेम्परेचर चेंज की वजह से, वो हो सकती है प्रेशर चेंज की वजह से, अपने सराउंडिंग फैक्टर्स की वजह से। क्लियर हो गया, तो सच टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। द एरर विच आर नॉट रेगुलर, पहली बात तो यह होगी भाई, ये रेगुलर एरर है नहीं, एकदम से अचानक हो जाती हैं। दीज आर इरेगुलर, सॉरी दीज कैन बी जेनरेट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई, मैं वो एक एग्जांपल लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज चेंज,
फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, तो इन फैक्टर्स की वजह से जो एरर जेनरेट होता है वो एरर कौन सा हो जाएगा बेटा, रैंडम एरर। रैंडम एरर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि सिस्टमेटिक एरर आपका क्या था, केवल और केवल पॉजिटिव था। दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉइंट्स बेटा आपने इन दोनों के एरर के अंदर याद रखने हैं, ठीक है। अब दो डेफिनेशन और रह जाती है आपकी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, वो और देखो। प्रीसीजन और एक्यूरेसी, प्रीसीजन और एक्यूरेसी, तो ये दो वर्ड बेटा थोड़े से कंफ्यूजिंग आपस में, पर मैं एक एग्जांपल से करवाता हूं। जैसे देखो, मान लो अपने पास जो मेजर्ड वैल्यू है किसी भी चीज की, ट्रू वैल्यू, मान लो ये जो मार्कर है, इस मार्कर की ट्रू वैल्यू मैं लेंथ मान लेता हूं वो है 3.678। कितनी वैल्यू है, 3.678 सेंटीमीटर। कोई भी वैल्यू ले ली मैंने रैंडम एक्स वाई जेड, ठीक है। दो वैल्यू मैं मेजर करता हूं, जब मैं मापता हूं तो दो वैल्यू मेरे पास आती है, फर्स्ट मेजरिंग वैल्यू 3.5 और सेकंड मेजरिंग वैल्यू 3.38 आ गई, ठीक है। फर्स्ट देखो ट्रू वैल्यू तो कितनी है, 3.678, पहली मेजरिंग वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर और दूसरी मेजरिंग वैल्यू है 3.38 मेजरिंग वैल्यू। अब सुन लो, एक्यूरेट कौन सी है इनमें और प्रीसाइज कौन सी है, बिल्कुल ये पॉइंट समझ में आ गया तो डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लिसन, 3.5 इज क्लोजर टू द 3.678 है कि नहीं है, बिल्कुल है, 3.5 इज क्लोजर टू द 3.678। और 3.38 क्या है, 3.38 है जो वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, पर ये प्रीसाइज है। दिस वैल्यू इज प्रीसाइज, दिस वैल्यू इज एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसकी वैल्यू प्रीसाइजनेस कम है। अब जैसे कई बार बच्चे क्या डाउट कर लेते हैं, सर छोड़ो इस बात को, मैं ये ले लेता हूं 3.52 सेंटीमीटर और एक है 3.5। अब बताओ कौन सी वैल्यू की प्रीसीजन है और कौन सी वैल्यू की एक्यूरेसी है, समझ में आ गई। अब 3.5 ही आपका क्या रहेगा, मोर प्रीसाइज होएगा, और 3.5 जो वो क्या होएगा, एक्यूरेट होगा, और 3.52 की जो प्रीसीजन है वो क्या होगी, ज्यादा। अब प्रीसीजन किस पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है भाई, प्रीसीजन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं, प्रीसीजन हम उसको कह देंगे जिसमें डेसिमल ज्यादा होंगे, प्रीसीजन हम किसको कह देंगे जिसमें डेसिमल ज्यादा होंगे, और जिसमें डेसिमल कम होंगे वो वैल्यू किसकी तरफ जाती है, एक्यूरेसी की तरफ। क्लियर होगी, एक्यूरेसी किसे कहेंगे, समझ लो, एक्यूरेसी मैं यहां लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, लिखो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, व्हेन द मेजर्ड वैल्यू, व्हेन द मेजर्ड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, देन वी कैन सी दैट इट इज मोर एक्यूरेट, देन वी कैन सी दैट इट इज मोर एक्यूरेट। क्लियर होगी, अगर वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, पास है, उसके पास जा रही है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू। प्रीसीजन क्या होती है, प्रीसीजन क्या होगी, देखो सुनो, जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में जो डेसिमल हैं, डेसिमल्स की नंबरिंग अगर ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, मोर प्रीसाइज है। मोर प्रीसाइज का मतलब ये हुआ, अगर डेसिमल ज्यादा हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो डिवाइस जो हम मेजरिंग स्केल यूज कर रहे हैं उस मेजरिंग स्केल की लीस्ट काउंट क्या है, कम है। लीस्ट काउंट क्या है, कम है। लीस्ट काउंट
कम होगी जिसकी, वो प्री सीजन ज्यादा होगी, जिसकी लिस्ट काउंट ज्यादा होगी उसकी एक्यूरेसी मोर होगी। ये पॉइंट लिख लो, नोट करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो भी डिवाइस है, मेजरिंग स्केल है, उस मेजरिंग स्केल का अगर लिस्ट काउंट ज्यादा है तो एक्यूरेसी देगी, लिस्ट काउंट ज्यादा है तो एक्यूरेसी देगी, और लिस्ट काउंट कम है तो वो प्रिसाइज देगी। ये निचोड़ है बेटा इन दोनों डेफिनेशंस का। अगर कोई डिवाइस लिस्ट काउंट ज्यादा है तो वो एक्यूरेट होगी, ज्यादा वैल्यू एक्यूरेसी की तरफ जाएगी, और अगर लिस्ट काउंट कम है तो इसका मतलब वो प्रिसाइज होगा। जैसे 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 मैं यहां पे एक स्केल ले लेता हूं, ये स्केल है भाई कुछ ऐसे। अगर ये जो छोटा, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो छोटा खाना है, मान लो ये इतना सा एक गैप एक सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है, और मैं दूसरी स्केल ले लूं, उस दूसरी स्केल में भाई ये जो एक गैप है एक एमएम को मेजर कर रहा है, तो एक एक तो माप रहा है एक सेंटीमीटर को एक गैप, और एक दूसरी स्केल का एक गैप माप रहा है भाई, वो मेजर कर रहा है 1 mm, तो कौन से को ज्यादा प्रीसाइज देगा? प्रीसाइजनेस इसमें ज्यादा होगी और एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होगी। क्लियर होगी? ये एक्यूरेसी देगा ज्यादा और ये प्रीसाइजनेस देगा। डन। तो अब आप यहां पे प्रीसाइजनेस या प्रीसीजन क्या लिखोगे? व्हेन द लिस्ट काउंट ऑफ ए डिवाइस इज मोर लेस देन इट गिव मोर प्रीसाइज वैल्यू, मोर प्रीसाइज वैल्यू और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है भाई? वाइस वर्सा का मतलब कि अगर मोर होगी, लिस्ट काउंट ज्यादा होगी तो इसकी जो प्राइस प्रीसीजन है वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। ऊपर वाली स्टेटमेंट का उल्टा होता बेटा वाइस वर्सा। क्लियर होगी? तो ये होगी आपकी प्रीसीजन और एक्यूरेसी। एक मैं चलते चलते ये बात और बता देता हूं। सर आपने जो ये नई पॉइंट यूज किया है, ये लिस्ट काउंट, ये क्या होती है? ये इधर देख लो बेटा, मैं लिस्ट काउंट बता देता हूं। लिस्ट काउंट क्या होती है? एनी डिवाइस विच कैन मेजर the smallest value, कोई भी ऑब्जेक्ट smallest value को जो मेजर करेगी। जैसे आपके पास स्केल होती है, वो स्केल का एक खाना होता बेटा, उसके अंदर 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। एक बड़ा खाना हो गया, वो किसको काउंट करेगा? वो एक सेंटीमीटर को काउंट करता है, और जो वो छोटे छोटे हो गए, एक सेंटीमीटर में कितने एमएम हो गए? तो 10। एक सेंटीमीटर में कितने हो गए? 10। तो 10 मिलीमीटर को मिला करके क्या बन रहा है? एक सेंटीमीटर। तो वो एक बिल्कुल छोटे वाला है जो, वो 1 mm और 10 mm क्या बन गए? 1 cm। तो उस स्केल की